हम लोगों ने देखा कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत लोग जा करके अपनी शिकायत किए और लोक शिकायत निवारण जो शिकायत के अधिकारी हैं उन्होंने फैसला दिया। और कितने लोग हमसे मिलने आए हैं आप बताइए, जिसने कहा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो हम तो उसी दिन कहे भाई याद करिए, हम तो बराबर कह रहे हैं। उधर भी हमने कहा कि भाई इसको तो देखना पड़ेगा, सिर्फ हमने लोक शिकायत निवारण कानून नहीं बनाया, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं की है। उन लोगों ने अगर कोई फैसला दिया तो भाई फैसला दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और चीफ सेक्रेटरी ने कल बात किया है, अच्छी बात है, हमने तो देखा कि भाई इन लोगों ने सबको कहा है कि भाई जो लोक शिकायत के काम में लगाए गए हैं उनको वही काम करवाइए, और जितने डीएम्स हैं वो दूसरा काम उनको सौंप देते हैं। तो अभी तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है आप लोगों को, ये दूसरे को काम दूसरा काम मत दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों को अगर किसी तरह की समस्या है और उसके लिए हम लोगों ने कानून बनाया है और वो जा करके अपनी शिकायत करते हैं तो उसका निराकरण करना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो एक हम आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों पर गौर करना भी बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं लोक सेवा कानून जो हम लोगों ने बनाया था तो बीच में गड़बड़ी हो रही थी ना, याद है ना, जब शुरू में किए थे 11 में हम लोग लागू तब घूम घूम करके जा रहे थे और जब देखा कि कहीं इधर उधर ना हो तो उस समय हमने डीएम्स को क्या कहा था कि भाई आप बिना किसी को सूचना दिए हुए और गाड़ी पीछे रोक दीजिए ताकि पता ना चले कि डीएम आ रहे हैं, आप जा करके खुद देख लीजिए कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं, और जा करके जो डीएम से देखना कि देखिए आज के सब डीएम को बता रहे। लोगों ने जा करके देखा खड़ा होकर के, और कोई गड़बड़ी कर रहा था तो उस पर एक्शन लिया गया, तो ये काम शुरू किया गया और अभी तो और ज्यादा सुधार किया गया है लोक सेवाओं के लिए। तो एक एक चीज जो किया गया है एक एक चीज का, तो दोनों कानून जो बनाया गया, एक 11 में शुरू किया गया और दूसरा 16 में शुरू किया गया लोक शिकायत वाला, तो इन सब चीजों पर जो इम्प्लीमेंटेशन अभी आपने प्रेजेंटेशन में बताया कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है लोक सेवा के माध्यम से, तो जरूरत तो है ही ना। और उसी तरह से लोक शिकायत के बारे में भी आप लोगों ने बता दिया कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं को सुन करके उस पर फैसला लिया जा रहा, तो ठीक ढंग से उसको देखना और उसको क्रियान्वित करना ये बहुत आवश्यक है। एक सलाह हम देंगे कि भाई देखिए जो भी काम होता है ये देखना, क्योंकि अभी जो आप पिछले दिन की भी बात हम बता रहे हैं, जो हमने देखा बहुत लोग अपनी शिकायत लेकर के आए और कागज दिया तो हमने देखा कि भाई लोक शिकायत निवारण कानून का फैसला तो हमने सबको बुला करके वहां पर कहा कि जरा बताइए लोक शिकायत निवारण कानून ने फैसला दिया इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया, तो हमने कहा है उस दिन। तो आज फिर मौका मिल गया, 18 की बात है, 18 तारीख की बात है ना, उसी दिन ने कहा था हमने, तो आज ये मौका मिल गया फिर 21 तारीख को, उसके 3 ही दिन के बाद हम आप सब लोगों को कह रहे कि अगर कोई चीज देखता है तो लोग हमारे पास आएंगे, बोलिए कम से कम लोग आएंगे ना, अगर समस्या का समाधान वहां हो ही जाएगा तो निश्चित रूप से, दूसरी बात है वो अगर ठीक से सुनेगा लोगों की समस्याओं को तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने तो देखा कि बहुत लोग कहते थे, हम जब बाहर घूमते थे तो लोग कहते थे आप अभी मिलना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू कर दीजिए, तो अभी हमने तय किया। और कोरोना जब की स्थिति ठीक हो जाएगी तब उसके बाद तो फिर सबको जैसे पहले मिलते थे वैसे मिलना शुरू करेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो देख रहा है समस्याएं आती है तो इन सब चीजों को देखना कि सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं,